हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ओवरऑल नॉलेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि पोएम से लिया गया है, खास तौर से ए टाइगर इन द जू से। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ डज अ टाइगर फील इन अ कॉन्क्रीट सेल। एक कॉन्क्रीट सेल में बंद कमरे में टाइगर किस तरह से महसूस करता है। व्हेन ए टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, जब एक टाइगर को कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया जाता है, इट बिकम्स पावरलेस, तो यह शक्तिहीन हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। इट ऑलवेज फील्स ग्रेटली ट्रबल्ड, और यह हमेशा परेशानी महसूस करता है। इट गोज ऑन मूविंग इन इट्स केज एंड डज नॉट केयर टू लुक एट द विजिटर्स, और यह अपने केज में पिंजड़े के अंदर इधर उधर भटकता रहता है, चलता रहता है। एंड डज नॉट केयर टू लुक एट द विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते हैं देखने के लिए, दर्शक आते हैं, उन्हें उनका वह कोई केयर नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। Why are the visitors not terrified, whereas people living in houses at the edge of the jungle are terrified? जो विजिटर्स उन्हें देखने के लिए आते हैं वे डरते नहीं हैं, लेकिन जंगल के किनारे जो घर हैं वहाँ के लोग डरते हैं, क्यों? In the zoo there are bars between the tiger and the visitors. जू में टाइगर और विजिटर के बीच बार्स लगा हुआ होता है, लोहे की छड़ लगी हुई होती है। The visitors are fully aware that it cannot harm them, और विजिटर्स को पूरी तरह से पता है कि यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बट इन द जंगल द टाइगर गोज अराउंड द हाउसेस, लेकिन जंगल में टाइगर घर के आसपास चला जाता है। इट इज़ फ्री टू किल एनी वन विद इट्स बेयर फैंग्स एंड क्रूअल पॉज, और यह किसी को भी मारने के लिए आज़ाद है अपने बेयर फैंग्स, नुकीले दांत से, और क्रूअल पॉज, और अपने खतरनाक पंजों से। After a deep thought, the tiger does not want to remain in a wild way. एक लंबी समय तक सोचने के बाद वह जंगल में नहीं रहना चाहता है, वाइल्ड में नहीं रहना चाहता है, क्यों? The tiger has analyzed the pros and cons of remaining in a wild. टाइगर एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है कि जंगल में रहने का क्या pros and cons है, क्या लाभ और क्या हानि है। It has arrived at the conclusion that the hunters might shoot him if it will remain in the wild. तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि वह जंगल में रहेगा तो हंटर्स, शिकारी उसे मार देगा। ही हैज़ द फियर ऑफ बिंग ड्रॉन बाय वाटर, और इसे यह भी डर है कि उसे पानी में डुबो कर मार दिया जाएगा। इट थिंक्स दैट इट मे बी सर्व्ड विद पॉइजन फूड, और उसे यह भी लगता है कि उसे जहरीले खाना देकर उसे मार दिया जाएगा। हाउ डज अ टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल, एक टाइगर जंगल में अपने प्रे को, शिकार को किस तरह से मारता है। इन द जंगल द टाइगर लाइज हिडन इन शैडोज नियर अ वाटर होल, जहाँ पर पानी रहता है, यानी वाटर होल के पास जंगल में टाइगर खुद को छिपाए रखता है, लाइज हिडन, छिप कर रहता है। व्हेन डियर कम्स टू द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर, जब कोई डियर, हिरन, पानी पीने के लिए वाटर होल के पास आता है, ही स्लाइड्स स्टेल्थली थ्रू द टॉल ग्रास एंड किल्स हिज प्रे इजली, तो वह जो है बिल्कुल चुपके से स्टेल्थली स्लाइड करते हुए, सरकते हुए आता है और अपने प्रे पर, शिकार पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है डियर स्टूडेंट्स, इसे ज़रूर याद कर लें। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।